नमस्कार सिटी सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। रायपुर से खबर है जहां पे तीसरे चरण के लिए बसपा ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 3 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। सरगुजा से संजय एक्का पर दाव खेला है और रायगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे अनोसेंट कुजूर आजमाएंगे किस्मत। बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ पे अश्विनी रजक को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखिए यहाँ पे बसपा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। 3 प्रत्याशियों के नाम और ये नोटिफिकेशन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बसपा की तरफ से सरगुजा रायगढ़ से ये किया गया है। और यहाँ पे देखिए अश्विनी रजक बिलासपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और वहीं रायगढ़ से अनोसेंट कुजूर पर दाव खेला है और सरगुजा से संजय एक्का पर यहां पे भरोसा जताया है पार्टी ने। बसपा की तरफ से यहां पे 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। संजय एक्का सरगुजा से और रायगढ़ से अनोसेंट कुजूर, बिलासपुर से अश्विनी रजक को चुनावी मैदान में उतारा है। तो प्रेस विज्ञप्ति बसपा की तरफ से जो जारी की गई है ये भी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान सरगुजा से संजय का पर दाव खेला गया है। और साथ ही साथ यहां पर बात की जाए रायगढ़ की तो यहां पे इनोसेंट कुजूर पर चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है और बिलासपुर से अश्विनी जिनको चुनावी मैदान में उतारा है पार्टी की तरफ से। तो वैसे तो मुख्यतः जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहती है, लेकिन ये घटक दल भी बड़े ही दमखम से अपने चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की जा रही है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहाँ पे बसपा की तरफ से किया गया है, क्या खास है और इन तीनों पार्टी की विशेषता बताइए जरा। बसपा भी छत्तीसगढ़ में पूरे दमखम के साथ है चुनावी मैदान। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर 3 प्रत्याशियों की बसपा ने घोषणा की है, जिसमें से अगर देखें तो बिलासपुर से बसपा ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और बसपा से जो बिलासपुर से जो है अश्विनी रजक को मैदान में उतारा है। और ये बिलासपुर जो सीट है वो सामान्य बीजेपी ने यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट दिया है। रायगढ़ जो रिजर्व सीट है यहाँ से इनोसेंट कुजूर और सरगुजा से संजय इसका। छत्तीसगढ़ में अगर बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा का जो जनाधार है या बसपा का एक लगातार उसको वोट प्रतिशत मिलता रहा है तो वो जांजगीर लोकसभा सीट है और जांजगीर लोकसभा सीट से लगा हुआ जो कोरबा का इलाका है, बिलासपुर का जो इलाका है, क्योंकि जो भी यहाँ पे एसपी वोटर है वो कहीं ना कहीं बसपा से जुड़ा हुआ है। बसपा की क्षेत्र में मजबूती की वजह ये है और बसपा लगातार यहाँ पे अपने प्रत्याशी पहले भी उतारती रही है, क्योंकि बसपा के जो संस्थापक रहे हैं काशी राम, जब उन्होंने बसपा का गठन नहीं किया था और जब उन्होंने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी 80 के दशक में, तो उस समय उन्होंने जब जो जांजगीर लोकसभा सीट है यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने रुख कर दिया था उत्तर प्रदेश का। तो उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जब बसपा का गठन हुआ तो उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में बसपा का एक कैडर बनता रहा और बसपा लगातार चाहे विधानसभा हो जाए लोकसभा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में बसपा के हाईएस्ट 2 प्रत्याशी चुनाव जीत कर जाते रहे हैं, हालांकि इस बार बसपा एक भी विधायक छत्तीसगढ़ से जीत नहीं पाई है, हालांकि पिछली बार बसपा जीती थी। ठीक है, जुल्फिकार विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिपरिया और दलित समाज को साधने की पीएम मोदी ने कोशिश की और पीएम ने अपने संबोधन में आदिवासी समाज और बाबा साहेब का जिक्र किया। पीएम मोदी के भाषण के बाद कार्यकर्ता और जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। पीएम के आने के बाद जाने के बाद यहां पे एनडीटीवी संवाददाता ने पड़ताल की है और जनता ने कहा है कि आदिवासी और दलित की चिंता पहले की सरकार ने नहीं की है, लेकिन
एनडीए की सरकार में दलित शोषित को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। उनका मध्य प्रदेश पहुंचना बेहद ही खास रहा क्योंकि बाबा साहब की जो जन्म स्थली है वो मध्य प्रदेश में आती है, महू में आती है, धार के करीब आती है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जो है अपने संबोधन में बाबा साहब का जिक्र किया। दो चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर काफी ज्यादा हमलावर रहे। पहला आदिवासियों को लेकर जो उन्होंने बात कही कि कांग्रेस ने आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं किया, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भाषण में जिक्र किया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बाबा साहब को अपमानित करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और अब क्योंकि सभा खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर देखिए लोग पहुंच रहे हैं और क्योंकि करीब एक लाख जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे और अब की बार 400 पार का नारा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लोग दे रहे हैं। मेरे साथ कई लोग जो है वो अंदर से आए हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि बाबा साहब का जिक्र रहा, महत्वपूर्ण ये है कि आदिवासियों को सम्मान नहीं रहा, ऐसी बात प्रधानमंत्री ने कही है। क्या ये वाकई में है, क्या आप देखा माहौल आपने? 100% ये बात सत्य है। देश के सबसे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 70 साल में आदिवासी और SC ST को सम्मान नहीं मिला, उनका मिसयूज हुआ। आज जो वास्तव में यूज हो रहा है, आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है, इस अवसर पर शोषित वंचित लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने पर उनका कदबल बढ़ा है और उनको न्याय मिला है। जैसे हम राष्ट्रपति दिया उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति से और उसके बाद आदिवासी समाज से हमको पहला राष्ट्रपति मिला है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो समरसता का भाव लेके विचार लेके आई है वो देश में शोषित वंचित लोगों को आगे लेके आ रही है। क्या लगता है ये होशंगाबाद नरसिंहपुर में कुछ काम करेगा, क्या बीजेपी का गढ़ बरकरार रहेगा? बिल्कुल रहेगा बीजेपी का गढ़ बरकरार। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय मध्य प्रदेश की सबसे पहले नंबर पर जीतने वाली सीट रही है ये और ये पहले नंबर पर ही रहेगी। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भाषण दिया, आप मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ, आप लोग कितने उत्साहित थे जब उनका भाषण सुन रहे थे? अति उत्साह का वातावरण है पूरे मध्य प्रदेश में, नहीं पूरे देश में उत्साह है। चारों तरफ राम लहर है, मोदी लहर है और ऐतिहासिक जीत होने वाली इस बार मध्य प्रदेश की 29 में से 29 ही सीटें जीतने वाले इस बार। क्या लगता है वाकई में जो उनकी बातें हैं वो मध्य प्रदेश में कुछ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या काफी है? नहीं, अच्छी है यही की जनजाति की संख्या और अच्छे काम करेगा यही पे, और मोदी जी इस बार तो बहुत अच्छे तरीके से जीतेगा। आपने सभा सुनी, कैसा लगा, कितना नंबर वन का काम? ऐसे मोदी ऐसे प्रधानमंत्री भारत को न मिले हैं न मिलेंगे। वंचित शोषित की बात हुई है, इस वर्ग की बात हुई है, लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो लोग उनके साथ रहेंगे? देखिए, बात है मोदी जी के साथ में रहने की, तो वंचित शोषितों की जब बात आती है तो इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। उन्होंने जिक्र भी किया ये भाषण, इस बात का जिक्र भी है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संघर्ष कर करके इस भारतीय जनता पार्टी को उच्च शिखर पर पहुंचाया। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो पिछली बार सन 2018-19 के चुनाव में 5,56,000 से जो हम जीत कर आए थे इस लोकसभा क्षेत्र को, इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 7 लाख प्लस से हम लोग यहाँ पर जीत के आएंगे। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री की सभा हुई है और कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, मेरे पीछे आप ये नारे देख रहे हैं, ये लोगों की भीड़ है जो सभा से लौट रही है, साफ तौर पर बता रही है कि पिछली बार जो 5 लाख प्लस की जीत रही है उस जीत को यहाँ पर बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सभा तो की ही है, लेकिन पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर रहे, गठबंधन पर हमलावर रहे और यहाँ पर आकर ये बता दिया कि किस तरह से बीजेपी लगातार विकास के काम कर रही है, ये गिनाने की पूरी पूरी कोशिश भी की है और ये साफ तौर पर जो है बता दिया है कि किस तरह से सरकार जो है वो काम कर रही है। पिपरिया से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। लोकसभा चुनाव के लिए कांकेर जिले में 85 साल आयु के
ऊपर के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान शुरू हुआ है। प्रशासन द्वारा गठित टीम ने इन मतदाताओं के घर पहुंची और डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग ली। मतदान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिले में कुल 22 टीम का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में ऐसे मतदाताओं की संख्या 340 है, जिसमें 85 साल से ज्यादा वर्ग के 219 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 121 है। गठित टीमें 14 से 16 अप्रैल के बीच दुर्गम इलाकों सहित अन्य जगहों पर पहुंचकर मतदान करा रही है। इस क्षेत्र के सेले गांव की बुजुर्ग मतदाता हैं और जिनकी आयु 109 साल है, जिनका नाम है जोहतरीन साहू। उन्होंने भी अपना मत डालकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अंतगढ़ लोकसभा का होम वोटिंग करवाने के लिए हम टीम के साथ आए हैं और यह होम वोटिंग दिव्यांगजन और जो 85 साल से ऊपर वरिष्ठ जन हैं उन लोगों के लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है। घर में जाकर के मतदान टीमों के साथ वोटिंग करवा रहे हैं। इससे काफ़ी जो बुजुर्ग जो 85 प्लस वाले हैं प्लस जो दिव्यांगजन हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको जो है तकलीफ़ नहीं हो रही है वहाँ तक जाने के लिए मतदान केंद्र तक, और उनको उनके लिए जो है मतदान टीम उनके घर तक आई है तो काफ़ी उनको सुविधा मिल रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में दलितों के वोटों की काफी संख्या के मद्देनजर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों दल इन्हें साधने में लगे हुए हैं। इसके लिए अंबेडकर जयंती का सहारा लिया गया है। कांग्रेस ने इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रत्याशी प्रवीण पाठक सहित सभी बड़े नेता एक साथ नजर आए और बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने शिरकत की। बाबा साहब हमारे देश के ऐसे उतारपा हैं जिन्होंने देश के विकास में और देश का संविधान बनाने में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और सदियों तक वो प्रासंगिक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और मैं भी इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमको शक्ति प्रदान। आपके चैनल के माध्यम से अंबेडकर जयंती पर सभी को शुभकामनाएं और मैं स्पष्ट तौर पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो बाबा साहब ने हमको ताकत दी है वोट की, चाहे प्रधानमंत्री जी वोट डालें या आप डालें, आपके वोट की ताकत और देश के प्रधानमंत्री के वोट की ताकत एक है। इस ताकत को आम लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोग छीनना चाहते हैं, संविधान बदलने की बात करना चाहते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि एकजुट होकर इन तानाशाहों को हटाने का काम करें। धार में भोशाला में एएसआई का सर्वे जारी है। सर्वे का 24वां दिन है तो वहीं एएसआई की टीम सुबह 8 बजे से सर्वे करने में जुटी हुई है, जिसमें 22 अधिकारी और कर्मचारी के साथ 27 मजदूर मौजूद है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एएसआई की टीम भोशाला का सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद है। देखिए जो शुरू से चल रहा है वही उनका डेली रूटीन का काम वो डेली करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें जो नई निकलती है उसके लिए उन्होंने उनकी टीमों को इनवाइट किया है समय समय पर, और अभी एक टीम इनवाइट है उसमें जो उनकी साइंस की है वो अभी आने वाली है, वो जुड़ी नहीं है, वो जुड़ेगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लासीफाई होगी और उसमें वो उनकी क्लीनिंग ब्रशिंग वगैरह करके उनको ऐड करेंगे। जो शिलालेख वगैरह निकले हैं बाबा की दरगाह में से निकले हैं और भी जो चीज़ें निकली है, चूँकि वो भाषा कुछ अरबी है, फारसी है, उर्दू है, तो उसकी कार्बन डेटिंग भी वो लोग आकर करेंगे, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का इंतज़ार रहेगा। आज हाईकोर्ट के आदेश से जो सर्वे प्रारंभ हुआ था 22 तारीख को, आज उसका 24वां दिन है और कल दिन भर जो सर्वे हुआ, जो गर्भगृह में हुआ, भोशाला के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, लेकिन गर्भगृह में कार्य प्रगति पर है। निश्चित आज भी वहाँ काम होगा और आने वाले समय में और टीमें जुड़ने वाली है, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जुड़ेगी
वो मशीनों का उपयोग आगे होने वाला है, और जो साक्ष्य सामने आएंगे उससे भूशाला का सच सामने आएगा। देवास में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी मिली है कि पारिवारिक बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इंदौर जिले में कलेक्टर आशीष सिंह ने 5 पटवारियों और एक राजस्व निरीक्षक को कार्य में लापरवाही और राजस्व विभाग के कार्यों में अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है और निलंबित कर दिया। रीवा में बोरवेल में फंसे मयंक को नहीं बचाया जा सका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मयंक की मौत पर दुख प्रकट किया है। सीएम ने मयंक के परिजनों को 4,00,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सीएम ने पीएचई के एसडीओ को भी निलंबित कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर यह जानकारी साझा की। रीवा में गहरे बोरवेल में फंसे मयंक को नहीं बचाया जा सका है। करीब 45 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मयंक मिट्टी और पत्थरों के बीच दबा मिला। जैसे ही मयंक बाहर निकला, उसे मेडिकल की टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। और महासमुंद जिले में पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 8,20,000 रुपए कैश जब्त किया। ओडिशा से महासमुंद ये गाड़ी आ रही थी। कार चालक द्वारा वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर पुलिस ने कैश जब्त किया और चालक से पूछताछ जारी है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3,40,00,000 रुपए की ठगी के 2 आरोपियों को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्वालियर निवासी नरेंद्र सिंह फालके की अनुमति के बिना ही आईटीसी के करीब 80,000 शेयरों को धोखाधड़ी से बेच लिया गया, जिसकी वर्तमान कीमत 3,40,00,000 रुपए है और जिस पर क्राइम ब्रांच के उप निरीक्षक शिशिर तिवारी की अगुवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने बेंगलोर कर्नाटक रवाना किया। और पुलिस ने 10 अप्रैल को बेंगलोर कर्नाटक से यहाँ पे सन्नेस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। को इस कंपनी के द्वारा 1,50,000 रुपए का आर्थिक नुकसान, 1.5 करोड़ रुपए का आर्थिक क्षति पहुंचाया गया। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे एसपी श्रीशा और उनकी पत्नी पदम ज्योति श्रीशा, ये दोनों को ड्राइवर टीम के आईओ ने अभी कस्टडी में लेके ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि जो पैसा इनका जो शेयर्स का मूल्य था 1.5 करोड़ रुपए, वो मूल्य किन किन किस किस तरीके से किस किस ने उसको अवैध लाभ प्राप्त किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कैच और गिरफ्तारी है जिसके माध्यम से इस पूरे रैकेट के बारे में आगे पता लगेगा। डिंडौरी के देवरा ग्राम पंचायत के स्थानीय लोग सालों से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। जब सालों के बाद सड़कें बनी तो वहां पे भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क चढ़ गई। 64,00,000 रुपए की लागत से महज 5 महीने पहले बनी सड़क अब उखड़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री मामले की शिकायत की है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई या जाँच नहीं की गई है। ये सड़क जो है
दो महीना तीन महीना पहले बनी थी। यहाँ पर जो है हम लोगों ने बहुत प्रयास किया सड़क बनवाने के लिए, कड़साक पार गए, यहाँ वहाँ गए, सब जगह प्रयास किया, पाँच छः साल से लगे रहे और ठेकेदार ने बहुत थर्ड क्लास काम किया है। यहाँ पर रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह इटियाँ उखड़ रही हैं और सीमेंट जो है एक 15-20 कप जो है मसाला ने डाला है, जो एक चार का डालना चीज़ है। क्या लगता है भ्रष्टाचार किया गया? भ्रष्टाचार 100% भ्रष्टाचार इसमें जो है। डिंडोरी जिले में सरकारी निर्माण कार्यों में किस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका अंदाजा करीब 5-6 महीने पहले बनी इस सीसी रोड की सड़क की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सड़क सीसी रोड का जो निर्माण कराया गया है वो करीब 5 महीने इसको बने हुए हैं और जगह जगह से ये सड़क जो है इसकी गिट्टियाँ अभी से उखड़ने लगी हैं। ये हम बात कर रहे हैं डिंडोरी जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत देवरा की, जहाँ लोक निर्माण विभाग के द्वारा करीब 64 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया गया है और वो सीसी रोड जो है जगह जगह से अभी से उखड़ने लगी है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है और इन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत लोक निर्माण विभाग के मंत्री से भी की है। हमारे साथ शहर के युवा अधिवक्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सड़क निर्माण में किस कदर से भ्रष्टाचार किया गया है, जानने की कोशिश करते हैं। अभी से सड़क बनी है और अभी से इसकी हालत एकदम खस्ता हो गई है। देखिए, ये कहना सही है कि ये विगत 4 महीने पूर्व की रोड बना निर्माण कार्य PWD विभाग के द्वारा कराया गया था, जो गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया है, जो आप देख सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि ये रात्रि में कार्य कराया गया है, तो निसंदेह अधिकारियों की अनुपस्थिति में ये कार्य किया गया है, जिससे ठेकेदार द्वारा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जिसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। तो इस पे हम जल्द ही इसको भी लोकायुक्त के माध्यम से उठाएंगे और इस पे जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी उसके अगेंस्ट पे कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से भी शिकायत की है, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री राकेश सिंह उनसे भी इस पूरे मामले की शिकायत की। देखिए, इस बारे में हम इसको जैसा कि बताया कि लोकायुक्त के मामले में उठाने से निसंदेह इस पे त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा सा लापरवाही बढ़ती जाती है, क्योंकि ये चूंकि ये पब्लिक एक्सेस के लिए बनाई जाती है और फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू रोड, प्रॉपर रोड और क्लियर रोड बनाना, लेकिन अगर तो भी लापरवाही बढ़ती जा रही है तो हम इसको निसंदेह लोकायुक्त में उठा के इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं जानकारी, मतलब जो जानकारी वाला बोर्ड लगा। हाँ, देख, अभी जो मैं वर्तमान में स्थिति देख पा रहा हूँ, रोड के आजू बाजू शोल्डर भी नहीं बनाए गए हैं, जिससे स्ट्रेंथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा और इसकी जो मोटाई है उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, क्योंकि और शायद जो आप बता रहे हैं कि इसका पेमेंट भी पूरा हो चुका है और शोल्डर्स नहीं बनाए, तो ये निसंदेह इसमें लापरवाही बढ़ती गई है रोड निर्माण में। तो ये थे युवा अधिवक्ता सम्यक जैन, जो बता रहे थे कि इस रोड में जो भ्रष्टाचार किया गया इसको लेके वो उचित प्लेटफॉर्म में शिकायत भी करेंगे। हालांकि स्थानीय रहवासियों ने लोक निर्माण विभाग के मंत्री से भी इस पूरे मामले की शिकायत की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी। बुरहानपुर देश में पावरलूम नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन पावरलूम उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि एक मजदूर एक साथ 5 से 6 पावरलूम चला रहे हैं और बुनकरों की मजदूरी भी 10% कम कर दी गई है। जिसके बाद बुरहानपुर बुनकर संघ के आह्वान पर बुनकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बुनकरों का कहना है, मंदी का बहाना बनाकर टेक्सटाइल कंपनी बुनकरों को कम मजदूरी का भुगतान कर उनका शोषण कर रहे हैं, जबकि श्रम विभाग के द्वारा टेक्सटाइल कंपनीज और बुनकर के बीच मजदूरी देने का समझौता भी बना था, लेकिन नियम का पालन नहीं हो रहा है। उधर बुनकरों ने बीते दिन कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और समाधान नहीं होने तक हड़ताल की चेतावनी दी है। टेक्सटाइल हमें मजदूरी देती है, उसमें हमारे बिल, बिजली बिल की भी भरपाई नहीं हो रही है, जगह जगह हमारे पावर लूम बुनकरों की लाइन काटी जा रही है और पावर लूम इसी कारण से बने कि वो मजदूरी का शिकार है, मजदूरी कम मिलने का। कलेक्टर मैडम ने मीटिंग लेबर ऑफिसर को कहा है, जो अपने बुरहान इंदौर कमिश्नर हैं, तो उनको बुलाया है, 1-2 दिन में मीटिंग तय होगी, जो भी निर्णय होगा, जो फैसला आएगा टेक्सटाइल और कमिश्नर और लेबर बुनकर संघ के दरमियान, वो फैसला तमाम बुनकरों के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही पावरलूम बुरहानपुर के चालू होंगे। उधर जबलपुर के नकटिया गांव के लोग पानी के पीने के लिए परेशान हैं और महिलाओं को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर तालाब तक रोज जाना पड़ता है। आलम यह कि तालाब और कुएं से गंदा पानी निकलता है, यही नहीं, गर्मी का मौसम आते ही तालाब सूखते हैं और हालात और ज्यादा खराब होते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को पानी निकालने के लिए गहरे गड्ढे खोदने पड़ते हैं।
बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।